आपने मेरे पापा को फिर फोन किया था, लेकिन क्यों? क्या बात करनी थी आपको? आपको तो अब मुझसे कोई शिकायत नहीं थी ना आंटी? रितु, उस दिन तुम भी तो थी ना जब आंटी जी बोल रही थी कि मैं अब इस घर में रह सकती हूँ, और ये वादा भी किया था कि वो मेरे पापा को कभी फोन नहीं करेंगी। फिर क्यों फोन किया इन्होंने मेरे पापा को? इसका मतलब आप दोनों ने ऐसे ही झूठा वादा किया था मुझसे? आप दोनों की दोनों झूठी हो। मैं भी किसको खीर खिलाने आई थी? आप दोनों मेरे हाथ की खीर बनी खाने के लायक नहीं हो। खीर कैंसिल कैंसिल कैंसिल। संगमित्रा सुनो, संगमित्रा बात तो सुनो। तो गलत समझा तरु, अमर जी तहार शिकायत करे खाती फोन ना करनी है, बल्कि ये जाने खाती फोन करनी है कि ताकि खाना में का पसंद बा, तहार शौक का बा, ताकि का पहनल अच्छा लगेला, बस ये जाने खाती अमर जी तहरा पापा के फोन करनी है, तहार शिकायत करे खाती ना, ताकि तहरा खातिर वैसे इंतजाम यहाँ हो सके। देखा संगमित्रा, तुहरा के तुहरा पापा से अच्छा तक केहू ना जाने ला ना, यही से अम्मा जी तुहरा पापा के फोन करनी है, तहर शिकायत करे खाती ना। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अब चाहे तुम कुछ भी बोल लो, तुम्हें ये खीर नहीं मिलेगी। खीर कैंसिल कैंसिल कैंसिल। संगमित्रा सुना था, अम्मा जी रुवा के ये सब करे के का जरूरत रहे? रुवा जानत है ना संगमित्रा कितना नादान है, देखे ना नाराज होके चल गई ना, वो हमने के घर के मेहमान है, उनका के खुश रखल हमने के जिम्मेदारी बा, अगर गुस्सा में कोई गलत कदम उठा ले ली तो रुवा का जवाब दे उनका बाबूजी के? बड़ी बदनसीब है तू, तुझे क्या लगा था तू बहुत मीठी और अच्छी बनी है तो मधु आंटी और रितु तुझे खाएंगे और खूब तारीफ करेंगे। खाना तो दूर तू उनके मुंह तक नहीं पहुंची, अब किसी काम की नहीं है तू। मैं उनसे भी नफरत करती हूँ और तुझसे भी नफरत करती हूँ। इन्हीं हाथों ने तुझे बनाया है ना, अब इन्हीं हाथों से सजा भी दूंगी तुझे। रुक जा, यही हाल होना चाहिए तेरा। मैं तुझे तब तक मारूंगी जब तक तेरी मिठास खत्म नहीं हो जाती। रुक। नागेश जी, हमरा के बहुत बुरा लागल कि संगमित्रा राहुल बेइज्जती कैली, वो एकदम बेकार लेकी बिया, पूरा घर परेशान बा ओकरा से। अब ऊ तो रउआ से माफी मांगी ना, यही से ओकरा बदले हम रउआ से माफी मांगल चाहता नहीं, और आज के बाद हम ध्यान रखब कि कबो रउआ संगे ऐसन बर्ताव ना कर सके। प्रीति जी कोनो बात नहीं की, संगमित्रा हमार बेइज्जती कैलस, पर तेरा दिल में हमरा खातिर इज्जत बा, हमारे लिए यही बहुत बा। वो तो ठीक बा नागेश जी, लेकिन हम ओकरा के छोड़नी ना, ओकर बेइज्जती करके राउर कई बेइज्जती के बदला हम ले लेनी। बतावा आज ना संगमित्रा खीर बनावले रहे और हमरा के खाए के देलस, हम ओकरे बनावल खीर के बेइज्जती करके बेकार बोल के ओजा से उठ के निकल गए नी। ओकर चेहरा तो एकदम देखे वाला रहा। ई बदतमीज संगमित्रा के ना हम ऐसने सबक सिखावत रह, तब जाके ओकर असली औकात ओकरा के पता चली। चला प्रीति, तू कम से कम ई तो माना तरू ना कि संगमित्रा गलत बिया और हम सही, हमरा के और का चाहे। हे गुंडे, तुम अभी तक सुधरे नहीं ना, इस घर की भोली भाली लड़की को क्यों भड़का रहे हो? मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद प्रीति या इस घर के किसी भी इंसान से बात करने की कभी कोशिश मत करना, और इस घर में आने की तो सोचना भी मत। अब से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद। तहार हिम्मत कैसे भई हमारे हाथ से फोन छीने के और नागेश जी से ऐसे बात करे के? तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, नागेश अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। ये फैसला करे वाली तू कौन होता रू? के अच्छा बा के खराब, ये हमार जिंदगी बा हमार फैसला, हम केकरो से बात करी केकरो संगे रही, तहरा से का मतलब? तू आपन काम करा ना। वही तो कर रही हूँ, तुम्हें उस गुंडे से बचा रही हूँ। देखा जकरा के तू गुंडा बोला तारू ना, हमार नजर में हीरो बाड़े हीरो,
और वैसे भी तहार कोनो हक नहीं के हमरे और नागेश जी के बीच में टांग अड़ावे के, समझ लू। मैं मितवा के बचपन की दोस्त हूँ, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इस घर और इस घर वालों को मुसीबत से बचाऊं। अच्छा, हमरा के मुसीबत से बचावल चाहता रू ना, तो एक काम कर, हमरे और नागेश जी से दूर रह। कहे कि तहरा से बड़ मुसीबत कोनो हो सकेला का? प्रीति का भेल? प्रीति भाभी इनकरा से कह दा कि ज्यादा हमार माई बने के कोशिश ना करे। अरे लेकिन बात का बा, ये तो बताएं। कुछ नहीं रितु, मैं इसे समझा रही थी कि उस नागेश से दूर रहे, वो अच्छा लड़का नहीं है। ना मित्रा, तारा कोनो गलत फहमी हो गई बेटे। कैसे कि हम नागेश के बहुत करीब से जानते हैं, नागेश हमार दोस्त हवन और वो बढ़िया लड़का भी हवन। मितवा, तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम भी इन लोगों की साइड ले रहे हो, वो भी उस गुंडे नागेश के लिए। भैया इनकरा से कह दा कि नागेश जी के गुंडा बोलना बंद करे। गुंडे को गुंडा नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? मैं तो बोलूंगी गुंडा गुंडा गुंडा। अरे काहे इतना हल्ला गुल्ला होता है जा? मितवा, मैं इन बाकी सब लोगों का तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। इस घर में सब लोग बारी बारी से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। पहले तुम्हारी माँ, उन्होंने कहा कि मैं जब तक चाहूं इस घर में रह सकती हूँ, वो मेरे पापा को फोन नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी बार बार वो मेरे पापा को फोन करती रहती है मेरी शिकायत करने के लिए। और वो गुंडा नागेश जिसे तुम दोस्त कह रहे हो, याद है ना उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, और उस प्रीति ने भी उसका बहुत साथ दिया था। बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ मितवा। जब सब लोग मेरे खिलाफ है तो मैंने सोचा कि तुम तो मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम भी इन लोगों का ही साइड ले रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो मितवा, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मित्रा देखा प्रीति, तारा के मित्रा से पहले चीज तो इतर बात यह बेकना चाहिए। कैसे कि मित्रा हमने के घर में मेहमान बने, और मेहमान से क्यों इतर बात कर लगा? वो कुछ बोला तरी कुछ बोला तरी ओकरा के जवाब दिया लग जरूरत नहीं की, बस कुछ दिन के तबाद बैठे शांत रह ले। देखा भैया, राउर उनकर बात बर्दाश्त कर सके नहीं, लेकिन हम ना अगर हमरे से मुंह लगी तो हम ऐसे जवाब दे। प्रीतिया मित्र एकदम ठीक कहता है, चुप रह एकदम, चल हमारे साथ हम समझाते हैं तुरा के हर चीज में तुम जबरी चलो ना। मिथिलेश जी, अम्मा जी संगमित्रा की वजह से पहले से ही बहुत परेशान बाड़ी, और अब ये सब बात वहाँ के पता चली तब और परेशान हो जाए। देखिए तनी अम्मा जी की रुआ ध्यान दी, कहें कि अम्मा जी के अभी राव जरूरत बा। तो माई के बीच में लिया जरूरी रहा का? एक पहले तो सब कुछ सही चलत रहा है, तोहरे काम है भड़कावल वो मित्रा के खिलाफ माई के। तू के हमारा के बतावे ला, तारा का लगता है कि हम अपन माई के ख्याल ना रख सकिला? जब तू बोलबू तबे हम उनकरा के बारे में चिंता करम। आइल बड़ी बतावे खातिर याद रही एक बात हमार, आज के बाद ना हमारा के गुरु ज्ञान देहला की जरूरत नहीं के तारा के, समझ में आइल? आइल बड़ी। नागेश जी, हम रघुआ से एक बार फिर से माफी मांगा तानी। इस संगमित्रा ना जैसे रघुआ के पीछे पड़ गई भैया, पता ना का चला था ओकरा मन में। उस समय हम रघुआ से बात करत रहनी, आके हमारे हाथ से फोन छीन ले लस। इतना हिम्मत पड़ गई बाउकर केहू ओकरा से कुछ बोलो नहीं खे सकत। मिथिलेश की बात भी ना माने ली का? कहां नागेश जी, मिथिलेश भैया उनकरा से कुछ कही है तब ना वो बात मानी। पता ना मिथिलेश भैया की का हो गई बा। अच्छा नागेश जी, रघुआ तो इतना अच्छा दोस्त बानी ना मिथिलेश भैया के, रघुआ बात करी ना हमरा के पता बा, रघुआ बात करब ना तो मिथिलेश भैया रघुआ बात जरूर माने। संगमित्रा हमरा साथ जॉन कुछ भी कह ल, लेकिन फिर भी हम ना चाहत की हमरा वजह से तहार घर में कोनो लड़ाई होके।
बात सिर्फ रौरे नहीं खे नागेश जी, पूरा घर के बात बा। उस सब से ऐसे नहीं बर्ताव करेली। पता ना जब से आइल बिया ना पूरे घर के परेशान करके रख ले बिया, और खास करके तो हमरा परेशान कर ले बिया। और आप तो जन्मे करेली, हमरा लगे के बा जेकरा से हम अपन मन के दुख बतिया। हम ई सब रउआ से बतौनी कहे से कि हम रउआ से का प्रीति जी बोले ना। प्रीति जी हम बहुत दिन से देखत आने कि हमरा से कुछ कहल चाहता रू पर बोल ना सके नी। बोले ना प्रीति जी। कब ले अपन दिल के बाद दिल में दबा के रख ले रहे। हम कैसे कहीं रउआ से कि हम रउआ से प्यार करे नी, बस रउए हमरा घर के संगमित्रा से बचा सके नी। रउए से उम्मीद बा हमरा के। प्रीति जी बोली ना। हम जाना था नहीं कि तेरा के हमरा से बहुत उम्मीद बा। हम तहार परिवार के खुशी खातिर कुछ भी करा। ठीक बना किसी अपना ख्याल रखो। रहो भी अपना ख्याल रखो। रखा था नहीं। बाय। अरे 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 हमें राजकुमारी चुप हो जा मत रो। तारा आँख में लोर निमान ने खेला हाँ? ऐसा छोट मोट बात तो होबे करेला केहू के बात के दिल पर लगैला के कोनो जरूरत। चुप हो जा बेटा हमर, चुप हो जा। मैं किसी की बात को सीरियसली लेती भी नहीं हूँ चाची जी, लेकिन आज मितवा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इसीलिए रो रही हूँ। कमजोर लोग रोएला। तू कमजोर बड़ू का? नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ। देखो काम कर, जब घर के सारा लोग तार बात नहीं मानत नू तो अपने पापा के फोन लगा और शिकायत कर दो घर भर के लोग के, बाकी रो अमा चुप हो जाए। हाँ चाची जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। आप मेरी सच्ची दोस्त हैं। राजकुमारी हाँ लगाओ लगाओ फोन अपने पापा के। हाँ मैं मेरे पापा को जरूर कॉल लगाऊंगी, लेकिन अब आप जाइए जाइए ना। हाँ चाचा बतिया लिया पापा से। हाँ। हाँ? हेलो पापा, देखिए ना ये सब घर वाले मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। मधु आंटी, रितु, प्रीति, नागेश, ये सब लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। कल तक मितवा मेरा साथ देता था, लेकिन आज उसे मैं ही गलत लग रही हूँ। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूँ? नहीं पापा, लेकिन रज्जो चाची बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ नहीं बोलती और बहुत सारे लॉलीपॉप भी ला कर देती है। और जब आज मैं बेसहारा महसूस कर रही थी तब उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं आपको फोन करूं। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो मैं मितवा से झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन मैं बाकी सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी, उन सबको सबक सिखा के रहूंगी। ठीक है पापा, मैं अब नहीं रोऊंगी। ठीक है तो मैं अब मुंह धोने जा रही हूँ, फोन रखती हूँ पापा, अपना ख्याल रखना। चोर नहीं हूँ तो फिर मेरा मोबाइल क्यों छू रही थी? अगर मैं नहीं होती तो चुराई लेती। हम तो हर मोबाइल ना चुरावत रहनी, हम तो हर पापा का फोन करत रहनी, बाकी उन घर फोन तो लग भी ना गई। ओ तो अपने मोबाइल से करते करते थक गई तो मेरे फोन से लगा रही थी। किसी के भी फोन से ट्राई कर लो, मेरे पापा का फोन नहीं लगेगा। बाकी तू तो अब इन बात करत रह लू,
कि हमार मोबाइल सू नंबर काहे ना लगल, बताओ संगमित्रा। वो छोड़ो कि मेरा फोन कैसे लग गया, ये बताओ कि आपको क्या बात करनी है मेरे पापा से। और आप तो कह रही थी कि आपने मेरे पापा से बात कर ली है, तो फिर क्यों फोन करना है उनको? संगमित्रा हम थोड़ा से झूठ बोलनी, हम तो हर पापा से कबो बात ना करनी। अरे बात कही तो दूर के बात बा, उनखर तो कबो फोन में ना लगल। यही से हम सोचनी शायद तुहार मोबाइल में उनखर कोई दूसर नंबर हो, बाकी ई नंबर तो वही बा, फिर फोन काहे ना लगल। मेरे पापा को तभी फोन लगता है जब मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। अगर अब से किसी ने भी मेरे पापा को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की तो मैं उसे भी उनके पास पहुंचा दूंगी, समझ में आया? बड़ा शौक है ना आपको मेरे पापा से बात करने का, एक काम करती हूँ आपको उन्हीं के पास पहुंचा देती हूँ, फिर जितनी मर्जी हो उतनी बात करना, कोई नहीं रोकेगा। मित्रा, मित्रा, अरे तू ही जा बड़ू, तू ये समय माई के कमरे में क्या करते रहू? वो मितवा, आज मैंने आंटी के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव किया था तो मुझे बाद में इस बात का पछतावा हुआ, इसलिए मैं आंटी से माफी मांगने आई हूँ। मित्रा माफी तो हमरो माई से मांगे के बाद, जैसे कि देखा ना आज गुस्सा में पता नहीं माई के भला बुरा काका बोल दिली, अंदर से अच्छा नहीं खेला कर। और सच बताई तब माफी तो हमरा के तारों से मांगे के बटे कि हम तारा के बहुत परेशान कर दिले ना। तारा पता बा हमार माई दुनिया के सबसे अच्छा माई है, हम भगवान से रोज प्रार्थना करी ले, रोज प्रार्थना करी ले कि हमार माई हरदम खुश रहो, हरदम स्वस्थ रहो। कह सके अगर हमारे माई के कुछ अगर हो जाए ना तो हम जीते जीत मर जी, हम ना रह सकी अपना माई के बिना, हम सोचियो ना सकी ले। माई तो हमारे सुतल बड़ी, इंकरा के जगह वाल ठीक नहीं के, सुबह हम इंकरा के जगह के माफी मांग ले। समय तो बहुत ज्यादा हो गए बेटे, तू जासू जले बहुत खुश नसीब है बुढ़िया तू, जो तेरा बेटा तुझे इतना प्यार करता है और तेरे बिना रह नहीं सकता, और मैं तेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती। जा, नहीं मारूंगी तुझे, बच गई तू। अब वो आंटी जी, वो मैंने कल आपको खीर नहीं खिलाई ना, तो उसके लिए सॉरी बोलने आई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कल फिर से खीर बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। अभी आप सो जाइए, सो जाइए आप।
हाँ एक बात और आंटी जी, अब दोबारा कभी मेरे पापा से बात करने की कोशिश मत करना, समझ गई आप? गुड नाइट। अब मिथिलेश जी, हमरा की रुवा से संगमित्रा के बारे में कुछ जरूरी बात करे के बा। देखिए ऋतु जी, आप हमारा मतलब है कि ऋतु हमारे लगे इतना फालतू समय नहीं के तारे बात सुने खाते, तो हमरा के जाए दले। मिथिला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो ना मेरे साथ आंगन में, चलो ना। आप क्या बात बताओ ना, चलो ना। अच्छा ठीक बा, आराम से, मतलब बात तो बताओ, क्या बात है? अभी सब पता चल जाए। हमरा की रुवा से संगमित्रा के बारे में कुछ जरूरी बात करे के बा। हमारे लगे इतना फालतू समय नहीं के तारे बात सुने का।